पहला मान, दूसरा सम्मान, तीसरा अपमान। तीन चीजें हैं, मान, सम्मान और अपमान। तीनों जितना दोगे रिटर्न ज्यादा आएगा। बात समझ में आई? क्या देना जो चाहिए वही देना। आप क्या कहते हो मेरा मान हो तो ज्यादा मान देना, ज्यादा रिटर्न। सम्मान देंगे ज्यादा सम्मान रिटर्न आएगा। अगर किसी का आप अपमान करोगे ज्यादा अपमान रिटर्न आएगा। यह सर लो बात समझ में आई? क्या करना है समझ में आ रही ना? वही अप्लाई करना अपने ऊपर। अच्छा आप बता दे, थोड़ा सा और बता दे। आए क्या अप्लाई, आए क्या अप्लाई, सब लोग अप्लाई हो, जितने भी सब तो लीडर है ना, है ना, सब कुछ ठीक है ना। आप जो कहोगे, आप जो अपने टीम में कहोगे, ध्यान सुनना, एक होता है करना, एक होता है कहना। जो आप करोगे, जो आप करोगे टीम वही करेगी, जो आप कहोगे टीम। जो हम करेंगे वही टीम हमारी करेगी, और जो हम कहेंगे टीम नहीं करेगी। बात समझ आ रहा? करके दिखाना। क्या करना? करके दिखाना। आज हम लोग करके दिखाए तब इतनी बड़ा साम्राज्य खड़ा हुआ ना। यहाँ मैं अगर मैं अपनी भाषा में बोलूं तो मुझे ऐसा लगता है कि एक दो लोगों को छोड़ दो, एक दो लोगों को छोड़ दो, बाकी सारी टीम नरेंद्र जी की और हमारी है। सही है गलत है? सही है। एक दो लोगों को छोड़ दो, 1% छोड़ दो, सारी टीम किसकी है? नरेंद्र जी की और हमारी। सही है। तो हम लोगों ने करके दिखाया, हम लोगों ने करके दिखाया। आपको वही करना, करना नहीं कोई सुनेगा नहीं। ओके अच्छा, और एक मिनट और मिल गया। क्या करें मालूम? बहुत बहुत ही बहुत बात कर रहा है कि टाइम ही नहीं है। ओके तो रिएक्शन में अगर आप ध्यान से सुनना, मैंने अप्लाई किया उसमें से बोल रहा हूं। कभी कभी ऐसा होता है आई अपलाइन आप डाउनलाइन को कुछ प्यार से भी बोलते हो ना, उसको थोड़ा उसको नहीं हजम होता। कभी कभी मैंने भी किया, अपना समझ के बोला कि निकी की बात है, गुस्सा हुआ, अपना समझ के बोला, उसको बुरा लगा, मैंने उसको रात में सॉरी कर दिया। उसका मैसेज है, सर आपने बहुत अच्छा मुझे बोला था, मैं करके दिखाऊंगा। मुझे लगा सना तो गड़बड़ है अपना मैंने सॉरी बोला, फिर उसका रिप्लाई आया, सर मैं सॉरी बोलता। आए अपलाइन अगर कभी रिश्ते टूटने से बच रहे हैं तो आप छूट जाओ, आपकी गलती नहीं भी हो सकती, आप पीछे हट जाओ, आपका डाउनलाइन है। अरे यार जिंदगी भर आपको इनकम देगा, आपके बाद आपके बच्चों को इनकम देगा। सही है गलत है? कैसा कैसा रखना चाहिए डाउनलाइन को? बच्चों से ज्यादा मारना पड़ेगा। सही है गलत है? अरे यार जिंदगी बदल जाएगी आपकी, आपके पास आपके बच्चों की जनरेशन टू जनरेशन में ट्रांसफर होता है ना, भी होता नहीं होता मालूम है? अरे यार कितने लोग नहीं हमारे बीच में, हमारे खुद अप्लाई सीसी साहब यार हमारे बीच में नहीं है, लेकिन जिगर साखी को उनका वीडियो सुनो ना, कितना खुश है कि हमारे डैडी ने एक अच्छा काम किए और आज हमको उनसे ज्यादा इनकम आती। सही है गलत है? तो यार डाउनलाइन से प्यार करना पड़ेगा। बहुत लोग होते हैं ना, अरे मेरा अप्लाई ऐसा, मेरा अप्लाई वैसा। अरे यार अप्लाई से इनकम आती है, इनकम कहाँ से आती? डाउनलाइन से आती। और जो भी मैं पहले बोल चुका हूँ, अगर आज अप्लाई, आज अपने अप्लाई को बुरा भला बोलोगे कल तुम भी किसी का अप्लाई हो ना। सही है? तो क्या करना है आपको पता चल गया। यहाँ 2 दिन से इतना ज्यादा नॉलेज की बरसात हुई, बाहर पानी की बरसात है, नॉलेज की बरसात हुई, उसी को अप्लाई करना अपने टीम में, अपने ऊपर भी। हाँ जी, और हम कुछ करके दिखाएंगे। कंपनी का टारगेट हमारे अशोक जी 5 करोड़, 5 करोड़, 5 करोड़, अरे बॉम्बे 10 करोड़,
हल करता। हम लोग 10 करोड़ का देख रहे हैं, 10 करोड़ में जाएंगे और जरूर जाएंगे भाई। तो हमारे जो मित्र भद्रा जी मध्य प्रदेश से, कल भी कितना अच्छा नॉलेज दिए, आज भी कितना दिन, ये थैंक यू बोलेंगे हाँ जोर से आपका सबको बहुत बहुत थैंक यू। नाश्ता रे।